हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जो वीडियो, उसका टॉपिक आप सबको बहुत पसंद आएगा। हम देखने जा रहे हैं आपका आने वाला समय कैसा होगा, साथ में कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी और क्या सलाह है आपको। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। आपके सामने यहाँ पर दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको। दोनों नंबर में से जो नंबर अपनी ओर खींचता है, जो तस्वीर आपको अपनी ओर खींच रही है, आपको जो पसंद आ रहा है, जिस तरीके से भी आप कार्ड को सेलेक्ट कर सकें उस तरीके से आप कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा। फर्स्ट सेकंड नंबर के हिसाब से कर सकते हैं, तस्वीर के हिसाब से कर सकते हैं। तो ऑप्शन दो रखे जाते हैं इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि मैम हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना तो समझ नहीं आएगा आपको कि आपकी रीडिंग थी कौन सी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए तस्वीरें भी कुछ ऐसी रखी जाती हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कार्ड को सेलेक्ट करने में। उम्मीद करते हैं कि आपने कार्ड्स को देख लिया होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि हम समय कम देते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग को ये लगता हो कि मैम आप बहुत जल्दी जल्दी समय नहीं देते हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो उनके लिए हम थोड़ा समय को छोटा करना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए है, अगर आपको देखना है और मतलब समय लेके, तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक के अच्छे से प्रार्थना करके उसके बाद आप वीडियो को देखें, ठीक है। तो एक बात और जो हर बार हम कहते हैं कि एक तरह की ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकती, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि आप बहुत नेगेटिव देख लें और आपको लगे नहीं ये तो मेरी लाइफ से नहीं मैच कर रहा, लेकिन फिर भी आप इसको फॉलो करें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो इस बात को तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है लेकिन जो भी बातें मैं बताती हूँ वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में नहीं होती हैं, तो ध्यान रहे आप कमेंट नहीं करते होंगे, हो सकता है वजह से हमारा और आपका कनेक्शन नहीं बन पाया है। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे ये कनेक्शन बनेगा नहीं। तो कमेंट कीजिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो जब तक आप किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अपना प्यार नहीं दिखाएंगे वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। आपको भी पता है कि नियम ना, आपको जो पसंद करता है आप उसी के लिए तो बातें करते हैं, उसी के लिए तो हर पल आप तैयार रहते हैं कि उसको कोई दिक्कत होगी तो आप उसके काम आएंगे। अगर आप किसी को बस मतलब से देख रहे हैं या फिर मतलब से आप उसे दोस्ती रख रहे हैं तो कनेक्शन नहीं होगा आपके बीच में, ठीक है। तो कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और यूनिवर्स को अपना थैंक्स भेजिए, जीवन में जो भी कुछ है, जितना भी आपको मिला है ईश्वर से, वो सब कुछ उन्हीं की कृपा से है, तो उनको आप धन्यवाद करते रहिए, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे तो जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये हो गई सारी बातें, चलिए हम देखेंगे फर्स्ट नंबर। तो जिसने भी फर्स्ट नंबर चुना है, आइए देखते हैं आपका आने वाला समय कैसा होगा, साथ में कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे और आपके बीच में कनेक्शन बनेगा। और जब कनेक्शन बनेगा तो जो भी बातें मैं आपको यहाँ बताती हूँ वो आपके लाइफ से कनेक्ट होंगी। और यूनिवर्स को अपना थैंक्स ज़रूर भेजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। मेरा एक नया चैनल है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, मेरा नया चैनल का नाम है वंदना 1111, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी रेमेडी देखने को मिल जाएगी। आपको आपके जीवन में जो समस्या चल रही हैं, जैसे जॉब की समस्या, बहुत सारी समस्या जो आप कमेंट में लिखते हैं कि मैम उपाय बताइए उपाय बताइए, तो आपको इस चैनल पे तो नहीं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग इस पर टैरो रीडिंग देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम आपको मैंने बता ही दिया है, वंदना 1111 करके वो नंबर चैनल है, और उसका जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वो आपके लिए ही बनाया गया है वो चैनल खास तौर पे। वैसे तो उसमें बस आपको यही सब बातें जानने को मिलेंगी, कैसे अफर्मेशन बनाते हैं, कैसे लॉ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं जीवन में, ठीक है। आपको आपके लिए अच्छा ब्रेसलेट कौन सा हो सकता है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान क्या हो सकता है। तो मेरा अनुभव जैसा रहा है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी, अगर आपको सही लगे तो फॉलो कीजिएगा। तो चलिए नंबर फर्स्ट, जिसने भी चुना है, आने वाला समय आपका कैसा होगा। पहला कार्ड जो आ गया है ये है बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड, की वर्ड का कार्ड है, और ये सेकंड कार्ड आ गया टू ऑफ सॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है ना, और टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, और ये आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा हुआ कन्फ्यूज़न है, फैमिली और आप में अच्छी बन नहीं रही है, ठीक है। और एक कार्ड और देखते हैं, थ्री ऑफ कप। तो देखिए
आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं जो आपको सही लगती हैं, आपकी फैमिली को सही नहीं लगती हैं। आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप किसकी बातों को माने, अपनी फैमिली के हिसाब से चलें या अपने हिसाब से चलें। आने वाले समय कुछ ऐसा ही होगा कि आपको लगेगा कि आपकी फैमिली जो कह रही है वो आपकी खुशी नहीं है। कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि करियर से जुड़ा हुआ मुझे ये मामला ज़्यादा दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप कुछ पढ़ाई करना चाहते होंगे, फैमिली कुछ पढ़ाई के लिए कह रही होगी, आप कोई जॉब चाहते होंगे, फैमिली किसी और जॉब के लिए कह रही होगी। तो ऐसा एक तरीके का आप दोनों के बीच में, फैमिली और आपके बीच में एक मन मुटाव सा चल रहा है। आने वाले समय में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। आप कन्फ्यूज़न में हैं, आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म होने की काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। कोशिश की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको एक सही रास्ता दिखाया जाए। आपके लिए सलाह ये है कि देखिए, ना आप गलत है ना आपकी फैमिली गलत है, आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना होगा, ठीक है, और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फैमिली के साथ मिलके लेकिन आपको रहना है, ऐसा नहीं कि फैमिली से झगड़ा कर लें आप। जब आप एक साथ होंगे ना तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा सब कुछ, ठीक है। तो फैमिली का साथ बहुत ज़रूरी है। तो आपके करियर से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, कोई भी बात है, कैसा भी बात, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हो, कुछ भी, कहीं भी, किसी भी एज के आप हैं और इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके करियर में जो भी समस्या हो रही है, फैमिली में जो भी समस्या हो रही है, दोनों जुड़ी हुई हैं, करियर को लेके हैं, फाइनेंस को लेके हैं, पैसों को लेके हैं, विवाद है आप दोनों का, एक तरीके से मनमुटाव चल रहा है फैमिली और आपके बीच में, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दिक्कत पैदा हो रही है सब चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से अपनी फैमिली को भूल जाना है, फैमिली की बात को भी आपको सुनना है, समझना है, वो गलत नहीं है ना आप गलत हैं। आपको समझना है कि आपके लिए सही क्या है। आप सब एक रहेंगे तो आपका भला होगा, आपको एक रहना है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि आपको एक रह के, एकजुट होकर आपको सब कुछ साथ लेके चलना है। आप बीच का रास्ता देखें, ठीक है, जैसी भी समस्या आपकी है, सबके लाइफ की अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं आपको एक बात नहीं कह सकती हूँ यहाँ पे। तो जो भी चीज़ है उसको बहुत शांति से, बहुत ध्यान से समझें। चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होगी आने वाले वक्त में। जो भी आप डिसीजन लेंगे उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप स्थायी तौर पर बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के परिवार के साथ मिल के उनकी खुशी से, अपनी खुशी से एक डिसीजन तक पहुँच जाएँ, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना रखें, फैमिली को लेकर कोई डाउट भी ना रखें मन में, क्योंकि आप एक हैं तो सब अच्छा होगा, अगर आप अलग हो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, कार्ड्स के हिसाब से। आइए अब देखते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके लिए, जो कि दिख रहा था आपके कैरियर में, करियर में, ठीक है। हो तो फैमिली के साथ आप होंगे तो आपके जीवन में तरक्की तरक्की। फैमिली का साथ बहुत ज़रूरी है, करियर पीछे छूट रहा है, दौड़ने की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत है, भागकर वहां तक पहुंचने की ज़रूरत है। बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं आप, अभी आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ख़ास तौर पर ध्यान रहें, आपकी परीक्षाएँ हो सकती हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ बात सुनना चाहते थे यहाँ पे कि वीडियो में वो जानने को मिले, तो ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं सब कुछ रुका हुआ है और आने वाले समय में भी चीज़ें हैं जो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप एकदम से खामोश हैं, आपके पार्टनर खामोश हैं, कुछ नया आप कर नहीं रहे हैं। तो जब तक आप कर्म करेंगे नहीं तब तक आपको उसका परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ सही है, जब तक आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। तो आने वाला वक्त कुछ ऐसा ही होगा आपकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। गुड न्यूज़ जो है वो आपको आपकी फैमिली से मिलेगी, यानी फैमिली का सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए आपसे कह रहे थे स्टार्टिंग में ही हम कि फैमिली से लड़के झगड़ के कोई भी कार्य नहीं करना, उनका साथ लेके, उनका विश्वास लेके, ठीक है, उनका समर्थन लेके ही काम में अगर आप हाथ डालते हैं तो वो काम सफल होगा। अकेले अकेले कोई काम करेंगे तो नहीं, ठीक है, ग्रुप में आपको करना है। ये ग्रुप मतलब आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ ग्रुप होगा, उनकी सलाह से, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है फर्स्ट नंबर तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे नए चैनल को भी। आइए अब देखते हैं नंबर सेकंड। तो जिसने भी नंबर सेकंड चुना है, ये जानने के लिए कि उनके लाइफ में आने वाला जो समय है
वो कैसा है, साथ में कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से हमारा आपका कनेक्शन बनेगा, जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक रीडिंग का पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाना संभव नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स को अपना थैंक्स भेजिएगा। जीवन में जो भी कुछ है, जैसा भी जितना भी आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। जितना प्यार आप देंगे उतना ही प्यार आपको वापस भी मिलेगा। सीधी सी बात है ना, जो चीज़ हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो अच्छा है कि हम अच्छी अच्छी काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छा लोगों के बारे में सोचें, ताकि हमको बदले में भी सब कुछ अच्छा अच्छा ही मिले, ठीक है। मेरा एक नया चैनल है, 1111 करके है वो चैनल, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आप सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है, कैसा है, ठीक है। तो अगर कोई उपाय आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन देखने को आपको उसी चैनल पे मिलेगा। चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 1111 करके वो चैनल का नाम है, ठीक है। और बहुत सारी बातें वहाँ आपको जानने को मिलेंगी। फिलहाल अभी नया चैनल है तो अभी आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं देखने को मिल पा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो उस चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं नंबर सेकेंड, जिसने भी नंबर सेकेंड चुना है, आने वाला समय आपका कैसा है। पहला कार्ड जो आ गया ना, वो है आ गया टेम्परेंस का, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ गया आपकी लाइफ के लिए। वाओ, दूसरा कार्ड आ गया टेन ऑफ कप का। तीसरा कार्ड हम देखते हैं पेज ऑफ कप है, और टू ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। देखिए, आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ मुझे चेंज देखने को मिल रहा है, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में है वो कुछ नया आपके लाइफ, मतलब एक नया डिसीजन लेना चाहते हैं, लेंगे भी, जिसका आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन यहाँ आपके लिए होने वाला है। आने वाला वक्त लव लाइफ को लेके बहुत अच्छा है। आपके करियर में बहुत तरक्की आपको देखने को मिलेगी। जो योजना आप बना रहे थे वो योजना पे आप काम कर पाएंगे, और उससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा, बहुत खुश होंगे, धन संपत्ति बढ़ेगी। यहाँ पे घूमने फिरने जा सकते हैं, फैमिली के साथ आप समय को एंजॉय करेंगे, परिवार के साथ भी एक बहुत अच्छा संबंध आपका बनेगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आने वाले समय में आपकी। आपके लिए सलाह है कि अगर मन में कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको समाप्त करें, ठीक है। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके माइंड से कंफ्यूजन को ख़त्म किया जाए। कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा, एक तरीके से मैं कहूँ ना, एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप लाइफ में कंफ्यूज हैं किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पढ़ाई हो, नौकरी हो, जॉब हो, कोई भी बात में अगर कन्फ्यूज़न आपको आ जाता है, जैसे कि अभी आपको कार्ड सेलेक्ट करना है कि आपको फर्स्ट लेना है या सेकंड लेना है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप सामान खरीदने जा रहे हैं, आपके सामने दो कपड़े रखे गए हैं, कौन सा कपड़ा आपको पसंद है, उसमें आपको समय लग रहा है, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे करके आप हर एक डिसीजन को बहुत समय लेंगे, तो जीवन में समय तो सीमित है ना सबके पास, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बहुत सारा समय है, तो इसीलिए कहते हैं आदत डालें। आप कन्फ्यूज़न है मन में तो उसको समाप्त करें, कन्फ्यूज़न समाप्त करेंगे जीवन आगे बढ़ेगा तो आपको खुशी होगी। आप रुक जाएंगे एक जगह पे तो फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ठहरा हुआ पानी, आप कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी जो है वो काफ़ी समय तक ठहरा रहे तो उसमें से बदबू, उसमें से दुर्गंध आने लगती है ना, उसी तरीके से है जीवन में, रुकना नहीं होता है। तो जब रुकेंगे कब आप लोग, तो तभी जाते हैं ना जब कंफ्यूज़ हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप चलते चलेंगे। कंफ्यूजन एक तरीके की रुकावट है आपके जीवन की सफलता के बीच में। जैसे हम देखते हैं नदी बह रही होती है, बीच में कोई पत्थर आ जाता है ना, तो रुक जाता है ना पानी वहाँ पे। अगर वो पत्थर नहीं होता तो वो नदी बहती रहती, पानी बहता रहता। उसी तरीके से ये रुकावट है आपके जीवन की। तो कन्फ्यूज़न मन में किसी भी चीज़ को लेके हो, या फिर आपके करियर में हो, या फिर आपके लव लाइफ में हो, या फिर फैमिली से जुड़ा हुआ कोई बात है, या कोई भी बात है, कन्फ्यूज़न को समाप्त कर लीजिए, ठीक है। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, समाप्त तो आपको करना ही होगा। आइए देखते हैं गुड न्यूज़ क्या है। ओफ, कुछ कार्ड्स अभी हम, सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि कुछ कार्ड्स हमारे गिर गए थे जिनको उठाना ज़रूरी था। गुड न्यूज़ के लिए हम देखने जा रहे हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी आपके जीवन की ना एक नई शुरुआत तो यहाँ दिख ही रही है।
आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ रहा है ये दिख भी रहा था। अगर नया पर्सन नहीं, आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे, करियर से गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, जो कि दिख रहा है कि अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है या फिर जो भी काम आप करते हैं उसमें काफ़ी समय से तरक्की नहीं हो रही थी, तरक्की होगी आपकी, पैसों की घर में बढ़ेगा धन आपका, ठीक है, धन बढ़ेगा। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया या फिर कहीं पर कुछ आपने पैसा अपना लगाया था ये देखने के लिए कि पैसा आपका बढ़ता है या नहीं बढ़ता, या फिर आपका काम है, आप बिज़नेस करते हैं, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। आने वाले वक्त में मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि आप जो चाहते थे कि आपका धन संपत्ति बढ़े वो बढ़ेगी। और ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ से लग रहा है उनको उनका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लाइफ पार्टनर नहीं तो लव पार्टनर, ठीक है, दोनों में से आपके लाइफ में। आप जिस भी स्टेटस में हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत समय से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, आप देखेंगे अचानक से चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप घूमने फिरने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। और गुड न्यूज़ तो बता दी है साफ तौर पे, मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो भी गाइडेंस मैंने आपको बताई है कि कंफ्यूजन को मन से ख़त्म कर लीजिए, उस पर आप वर्क कीजिए, ज़रूर वर्क कीजिएगा, आप उसका रिजल्ट देखेंगे। मेरा नया चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।